नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सीतामढ़ी में अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार समेत दो को मारी गोली। सीतामढ़ी में लॉकडाउन के बीच चक महिला के वार्ड नंबर 4 में एक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक समेत दो लोगों पर बदमाशों ने गोली चलाकर सनसनी मचा दी है। इस गोलीकांड की घटना से आसपास के ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के चक महिला गांव में शनिवार की शाम अज्ञात बदमाशों ने चक महिला गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी ललितेश्वर कुमार यादव व उनके मित्र नथुनी अंसारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों को सीतामढ़ी शहर के नंदीपत मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि ललितेश्वर यादव बाजपट्टी थाना क्षेत्र के एक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। इनकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। इनके मित्र नथुनी बाजपट्टी बसहा के निवासी हैं, जो पेशे से एक पत्रकार हैं। घटना की जानकारी मिलने पर नगर थाना पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे एवं जांच कार्रवाई कर रहे हैं। पेशे सीतामढ़ी से मोहम्मद अफरीदी, संग कैमरा मैन लोकेश कुमार की खास रिपोर्ट। दोनों की गोली लगी हुई है, एक के जांघ में लगी हुई है, बाएं तरफ की जांघ में, और गोली अंदर ही फंसी हुई थी, ऑपरेट करके निकाल दिया गया है। और हेमोस्टेसिस मेंटेन है, मरीज पते सवार है। और दूसरा जो मरीज है वो समथिंग अंसारी करके हैं, उनकी जो गोली है वो बाएं तरफ जांघ में लगी है और वो पूरे थाई को पियर्स करते हुए लिंग के नीचे बेस ऑफ द लिंग में फंसी हुई थी। वहाँ से गोली ऑपरेट करके निकाला गया है। खतरे से बाहर नहीं, उस मरीज को खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसको ट्यूमरल आर्टरी जो है वो पल्सेट नहीं हो रहा है। और अभी तक जो है पैकिंग किया गया है, वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा है उसका, और साथ ही साथ उसका किडनी भी फंक्शन नहीं कर रहा है। उसमें जो नहीं पता है क्या है, हम तो उसे मरीज को जानते हैं, मरीज किसका रिलेटिव है नहीं है इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है।